इलॉन मस्क बने ट्विटर बॉस, डील से पहले बदल दिया अपना बायो, जानिए क्या है पूरा मामला। ट्विटर और इलॉन मस्क की डील अब एक नए मोड़ पर है। बुधवार को इलॉन मस्क सीधे ट्विटर के हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। हेडक्वार्टर का एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है, जिसका कैप्शन है ट्विटर HQ में प्रवेश करते हुए। हेडक्वार्टर पहुंचने के कुछ देर बाद उन्होंने अपने ट्विटर बायो को भी अपडेट कर दिया है। उन्होंने अपने बायो में चीफ ट्वीट लिखा है। इससे कुछ देर पहले ही इलॉन मस्क ने ट्विटर की वाहवाही करते हुए एक ट्वीट किया था। ट्विटर की वाहवाही कर रहे मस्क, उन्होंने लिखा कि ट्विटर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसने सिटीजन पत्रकारिता को भी मजबूत किया है। इससे पहले ट्विटर ने कन्फर्म किया था कि इलॉन मस्क इस हफ्ते उनके ऑफिस आने वाले हैं, हालांकि इसके अलावा कंपनी ने कोई अन्य जानकारी नहीं दी थी। इस साल की शुरुआत में इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था। उन्होंने अप्रैल में ट्विटर डील की शुरुआत की थी। शुरुआत में मस्क ने ट्विटर में 9% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद ट्विटर ने उन्हें बोर्ड में शामिल होने का ऑफर दिया था। डील पर जमकर ड्रामा भी हो चुका है, मगर मस्क ने उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। बाद में उन्होंने ट्विटर खरीदने का ही ऑफर दे दिया। इलॉन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर खरीदने का ऑफर दिया था, हालांकि बाद में उन्हें इस डील को होल्ड और कैंसिल कर दिया। डील को होल्ड करने की वजह बॉट्स की संख्या थी।